Hello viewers, welcome to another video. This is the part 3 video on our unit 1. इससे पिछले वीडियोस में हम आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज एंड लिटरेरी सोर्सेज पढ़ चुके हैं. इफ़ यू हैवंट वॉच देम येट, यू कैन वॉच देम ऑन माय चैनल. सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स स्टार्ट अ वीडियो. फॉरेन अकाउंट जब हम कहते हैं तो इससे हमारा मतलब है डिस्क्रिप्शन एक ऐसे प्लेस का जिसे एक ऐसे पर्सन ने लिखा है जो खुद उस पर्टिकुलर प्लेस से बिलोंग नहीं करता, वो कोई आउटसाइडर है और जिस प्लेस को उसने विजिट किया, उसको जिस तरह से उसने देखा, जो भी सोशियो और पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव उसने उसके सामने उसे नज़र आए, उसने उन सबको अपने पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंगली शब्दों में लिख दिया. तो इसको हम फॉरेन अकाउंट्स कहेंगे, डिस्क्रिप्शन किसी पर्टिकुलर प्लेस का जो किसी आउटसाइडर ने लिखा है. Foreign account are a part of literary source which consist of writing of Greek, Roman, Chinese and Arab travelers. तो foreign account जो है वो literary source है writing के, जिसमें हमें मिलती है Greek, Roman, Chinese और Arab travelers के account. Indian historians के contrast में foreign travelers काफ़ी interested थे non-religious events को लिखने में, non-religious events को जानने में they were more इंटरेस्टेड, वाइल जो इंडियन हिस्टोरियंस थे उनका इंटरेस्ट रिलीजियस और मिथ वाली चीज़ों में उनको एनकाउंटर करने में था. थस देयर वर्क थ्रोज लाइट ऑन द पॉलिटिकल एंड सोशल कंडीशन. तो जो फॉरेनर्स के अकाउंट हैं उसमें हमें पॉलिटिकल और सोशल कंडीशन के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाती है. फर्स्टली विल टॉक अबाउट ग्रीक और रोमन राइटर्स. Herodotus and Thucydides are the oldest Greek and Roman writers. ये oldest Greek और Roman writer हैं. Herodotus को father of history भी बोलते हैं. तो जो जो information Herodotus और Thucydides हमें ईरान के बारे में देते हैं उसको less authentic माना जाता है in comparison with the people who came along Alexander. उन लोगों के comparison के साथ में जो Alexander के साथ आए थे, Nersius and Onesicritus, इनके अकाउंट्स को मोर ऑथेंटिक माना जाता है. क्यों माना जाता है? क्योंकि ये खुद उस प्लेस को उन्होंने विजिट किया और जो कुछ भी विटनेस किया उसको अपनी आंखों से देखने के बाद लिखा, जबकि हेरोडोटस और थ्यूसिडाइड का जो डिस्क्रिप्शन है अबाउट ईरान वो एक्सटर्नल सोर्सेज पर बेस्ड है. अनदर इम्पॉर्टेंट अकाउंट इज इंडिका. इंडिका ये भी अकाउंट है मेगास्थनीस के द्वारा लिखा हुआ. मेगास्थनीस एम्बेसडर थे इन द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य. इंडिका बुक जो है वो अभी अवेलेबल नहीं है क्योंकि काफ़ी एंशियंट अकाउंट है, तो टाइम के साथ कहीं लॉस्ट हो गई है. हालांकि इसके कुछ पार्ट्स को प्रिजर्व किया गया है बाई ग्रीक और रोमन राइटर्स. These foreign writers wrote on the condition and aspect which was ignored by Indian writers. तो foreign writers का account हमें consider करना इसलिए भी important हो जाता है क्योंकि इन्होंने कुछ ऐसे aspects और condition के बारे में भी लिखा है जो कहीं ना कहीं Indian writers द्वारा ignore कर दिए गए या उनके द्वारा लिखे नहीं गए. Periplus of Eritrean Sea is another Greek work. Periplus जो है ये भी एक और account है जिसका राइटर अननोन है, पर ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है हमें अबाउट द इंडियन पोर्ट्स और उन डिफरेंट कमोडिटीज़ के नेम्स को भी स्पेसिफाई करता है जो या तो इंडिया में इंपोर्ट की जाती थी या तो उन्हें इंडिया से बाहर एक्सपोर्ट किया जाता था. टॉलेमी रॉट अबाउट द ज्योग्राफिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ इंडिया. टॉलेमी ने इंडिया का ज्योग्राफिकल डिस्क्रिप्शन दिया इन 2nd century AD. प्लेनी द एल्डर रोमन हिस्टोरियन है और इन्होंने लिखा है नेचुरलिस्ट हिस्टोरिया, ये इनके रिटन अकाउंट का नाम है, जिसको इन्होंने 1st century AD में लिखा. काफ़ी ग्रेट इंपॉर्टेंस का है बिकॉज इट प्रोवाइड्स प्लेंटी ऑफ इन्फॉर्मेशन अबाउट द एनिमल्स, क्रॉप्स एंड मिनरल्स इन इंडिया. इंडिया में जो एनिमल्स और क्रॉप्स और मिनरल्स थे उस टाइम पे उसका अच्छा खासा डिस्क्रिप्शन हमें इनके लिटरेचर में मिल जाता है. एंड नाउ चाइनीज ट्रैवलर्स. चाइनीज ट्रैवल्स में हमें मोस्टली हम पढ़ेंगे बुद्धिस्ट मॉन्क्स के बारे में. जो प्रोमिनेंट हैं उनमें से उनके नाम हैं फाहियान, हुएनसांग एंड एचसिंग. तो फाहियान इंडिया विजिट करते हैं इन द 5th century AD और यहाँ पर रुकते हैं एटलीस्ट 14 ईयर्स. और इनका जो लिटरेचर है वो बेसिकली बुद्धिज़्म के ऊपर थीम है एंड
इनका अकाउंट हमें लेस पॉलिटिकल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है ऑफ ऑफ दैट टाइम, मतलब कि रिलीजियस अकाउंट को काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया एज कंपेयर टू पॉलिटिकल कंडीशन. नाउ हुएन सांग विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द टाइम ऑफ हर्षा. हुएन सांग ने इंडिया को विजिट किया हर्षा के टाइम पर, ठीक है. हर्षा जो है इंडियन रूलर का नाम है और ये 16 ईयर्स तक यहाँ पर रुके. इन्होंने रिलीजियस कंडीशन एज वेल एज पॉलिटिकल कंडीशन के बारे में भी लिखा. He also wrote about the cultural society and education of that time. तो ह्यूएन सांग ने cultural society के बारे में लिखा. cultural society से मतलब है वो folk, वो people, group of people जो same culture, same tradition को follow कर रहे हैं, same language को follow कर रहे हैं. उन्होंने education के बारे में भी लिखा उस time के. It Singh visited India by the end of 17th century AD. He stayed for the long टाइम इन विक्रमशिला एंड नालंदा यूनिवर्सिटी. तो उन्होंने काफ़ी लंबा समय जो है वो विक्रमशिला एंड नालंदा यूनिवर्सिटी में स्पेंड किया. विक्रमशिला ये वही यूनिवर्सिटी है जिसको पाला डायनेस्टी के धर्मपाल फेमस किंग उसने फाउंड किया था. एंड डिस्क्राइब अबाउट द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया. और ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के बारे में भी बताते हैं इंडिया के इट सिंह के अकाउंट्स. बिसाइड दीज ही ऑल्सो डिस्क्राइब अबाउट दी फूड हैबिट एंड कस्टम्स ऑफ इंडिया. तो इनके अलावा फूड हैबिट और कस्टम्स के बारे में बताते हैं इंडिया के इनका अकाउंट. एंड नाउ अरब ट्रैवलर्स. अरब ट्रैवलर्स दे ऑल्सो बिगिन टू राइट अबाउट इंडिया इन 8th century AD ऑनवर्ड्स. 8th century AD के आगे से अरब ट्रैवलर्स भी इंडिया विजिट करने लगे एंड दे ऑल्सो स्टार्टेड टू राइट एंड क्रिएट देयर अकाउंट्स. सुलेमान अल्तजीर विजिटेड इंडिया इन द मिडल ऑफ 9th century AD. सुलेमान अल्तजीर जो है वो 9th century AD में आए इंडिया एंड इन्होंने लिखा किसके बारे में, पाल प्रतिहारा एंड गुजर्स. अल मसौदी स्टेड इन इंडिया फॉर 2 ईयर्स, 2 साल तक रुके एंड ही रॉट अबाउट द रूलर्स ऑफ राष्ट्रकूट डायनेस्टी. इन्होंने राष्ट्रकूट डायनेस्टी के बारे में लिखा. ये वो डायनेस्टी है जो इंडिया के सदर्न हिस्से में रूल किया करती थी. अबू रेहान अल बरूनी जिसको कॉमनली ही जोन बाय अल बरूनी हिज नेम. और इनका जो अकाउंट है किताबुल हिंद काफ़ी पॉपुलर है. ही गेव डिटेल्ड इंफॉर्मेशन अबाउट मैथमेटिक्स, जियोग्राफी, फिलोसफी एंड अदर रिलीजियस प्रैक्टिसेस, कल्चर, ट्रेडिशन, सोशल कंडीशंस, जो कि बहुत अच्छी अप्रिसिएशन के हैं. मतलब कि इन सभी साइंसेस के बारे में काफ़ी वर्थी इंफॉर्मेशन इनके अकाउंट से प्रोवाइड होती है. सो विद दिस वी हैव कम्प्लीटेड आर फर्स्ट यूनिट जिसमें हमने 3 इन टोटल सोर्सेज पढ़े हैं. आर्कियोलॉजिकल सोर्स, देन लिटरेरी सोर्स और इस वीडियो में हमने अपना फॉरेन अकाउंट भी कंप्लीट कर लिया है. अब हम नेक्स्ट वीडियो से सेकेंड यूनिट डिस्कस करेंगे. तो दिस इज इनफ फॉर टुडे. If you learn something new from this video, then please subscribe to my channel and press the bell icon for more related videos. Thanks for watching.